सभी साथियों को भाई जितने जो साथी जुड़ गए हैं हाल फिलहाल हम हरष छिकारा पेज से लाइव हैं और आप सभी साथियों को जितने जो भी मेरे प्यारे साथी हैं आप सभी के चरणों में हरसिकारा की तरफ से हाथ जोड़गा पहले तो राम राम एक बार आप सभी साथियों से विनती है गुजारिश है चार दिन से नहीं सो रहा था चार दिन तक तो किसी चीजा के सबूता के पीछे लग रहा था क्योंकि जो फर्जी धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं जिप्ती मैं जिंदा हूं मैं उन जीण दूंगा भाई ये जो चोला उड़ रहे थे ना धर्म का आज देखो इनकी कैसे ऐसी तैसी करता हूं सबूतों के साथ बाई नेम एक का नाम काम रिकॉर्डिंग फोटो हर चीज आप लोगों के सामने दिखाऊंगा और मुझे एक बात का और भी पता है जैसे मेरी ये लाइव खत्म होगी लाइव खत्म होते ही मेरे पे 99 परसेंट मुकदमा दर्ज होगा पर मुझे कोई चिंता नहीं जेड़ों के अंदर मर्द ही जाते औरतें नहीं एक प्रतिशत भी चिंता नहीं आज इन धर्म के ठेकेदारों को जो नगन अवस्था में मैं करूंगा एक बार आप सब सिर्फ इतनी ही बात कहता हूं सारे जुड़ो जल्दी से और इस वीडियो को मैं बोलना शुरू करता हूं आप लोग शेयर करना शुरू करो नीचे शेयर का बटन होगा उसको दबाओ दबाते ही आपके सोरे हाथ दिखाई देगा शेयर टू ग्रुप छह हजार भाई जुड़ चुके हो सभी ग्रुपों में शेयर करना शुरू करो मैं खोलता हूं अब इनकी पोल पट्टी पोल पट्टी खोलने से पहले तो आज बहुत बड़े गौ सेवक भगत फूल सिंह महाराज जी उनको श्रद्धांजलि जो आजी के दिन हमारे बीच नहीं रहे थे बहुत बड़ा सेवक था भगत फूल सिंह मलिक जिनका गांव मारा था उसके बाद दूसरा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं मेरी बहन ममता सिंह आई जी रोहतक जो एक इतनी अच्छी अधिकारी जिन्होंने नू मेवात मंदिर के अंदर जाके सबसे पहले उन दंगों पर काबू पाया था अब आती है भाई थारे ठेकेदार की बारी जिसका नाम है मोनू मानेसर सब कुछ नाम के साथ बोलगा बताऊंगा मुकदमा कराना है आज कराओ ईब कराओ ऑनलाइन कराओ कोई काली नहीं कोई दिक्कत नहीं मोनू मानेसर की जन्म कुंडली सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं शुरू करते हैं मोनू मानेसर पोलटेक्निक में पड्या करता दो हजार तेरह चौदह में आया था, था समाज सेवा में यो लड़का किस चीज में इसने बनना था गोरक्षक लेकिन बेचारे ने यो बन गया गो बक्षक पंद्रह हजार गांत रिकॉर्ड में बेच रहा है पंद्रह हजार गां कटवा है कमीण गद्दार आदमी हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार तेरे पेलूरिया की और तेरी सारी पोल पट्टी अभी पहले न्यू बता दू, तू था के ताकि लोग पता लग जा 2014 में इसकी पोस्ट देख लेना एक पोलसर पाओगी काली और लीली 220 सीसी की जिसकी मोटरसाइकिल के आगे लिख रहा है, कहता यमराज वह चोरी की तो मोटरसाइकिल रखा करता यो उस चोरी की मोटरसाइकिल पर इसने अपनी स्ट्रगल शुरू करी आईएमटी है बहुत बड़ी मनेसर के अंदर वहां से जो गरीब आदमी तनखा लेकर आगर रात में उनकी तनख्वाह खोसा करता और जब कोई मतलब की को हादसा कोई एक्सीडेंट हो जाता रोड पर पी का पिड़ा होता उसका फोन खोज लेता उसके रुपये काट लेता इस चोर की पहले आदत थी ये आदत फिर इसने सोची इसमें घर तना चाह चोर बनना पड़ेगा फिर यो बड्डा चोर बन गया बनकर अब मैं करूंगा गोरक्षा गोरक्षक बन गया यो सबसे पहले तो आप लोगों का बैम दूर कर दूं यो गोरक्षा दल का सदस्य नहीं है गोरक्षा दल का सदस्य नहीं है यो सदस्य हाल फिलहाल जो है बजरंग दल का है गोरक्षा दल ने क्यों निकाल लिया क्या बात हुई पहले तो छोटे सबूत दिखा उतारते न्यू मानोगे छकारा हूं बोकार टाइम पास कर रहा। गो रक्षा दल का सदस्य नहीं है बजरंग दल का सदस्य बन गया और बजरंग दल वो दल है जो बहन बेटियों की इज्जत करता है बहन बेटियों की इज्जत कैसे है चौदह फरवरी वैलेंटाइन डे आओ जब दिखा रहा बजरंग दल लोग का लठ मारते आशिका का जोरा क इसका कौन लठ मारेगा भाई यो थारा भाई यो प्रेमी भाई ये हम मोनू माने सर जी और मैं माफी चाहूंगा लड़कियों की सब की डिटेल बेचारी का फोटो नहीं दिखाऊंगा इसका अपना पर्सनल जीवन है मतलब इसका फेस बलर कर ए मेरे भाई ने पहले तो ये रंगरलियां मनानी शुरू करी है ए भाई साहब हर रोज अलग लड़की अच्छे दारू अच्छे शोक अब आते काम की बात पर तो चलो ये तो इसका पर्सनल जीवन हमें क्या लेना देना ये दारू या मूथ पीवे लड़कियां तो मिल ले या लड़कियां मिल ले वो इसका अपना शौक है इन चीजों को छोड़ दो इन चीजों से दूर रहो काम की बात पे आते हैं भाई साहब ने समाज सेवा करी गोरक्षा की चोरी करता था क्या शुरुआत एक ही जगह से करते हैं पहले इन्होंने इसकी जो गोरक्षा की टीम है इन एक गाडी पकड़ी थी सीधी काम की बात पाते हैं पहले ए, अभी बताता हूं आप लोगों को इसने इसके काले चिट्ठी भी जीतनी हैं एक सेकंड हा इसका एक बहुत ही अच्छा साथी है नवनीत दैया नंगल चौधरी नवनीत दैया ने गाड़ी पकड़ी जो गोरक्षा दलर याना के सदस्य थी एक एक बात को गौर से सुनना भाई मेरे पे कीचड़ उछाले दो हो और अच्छे कारण उसके बारे में बोल दिया उसकी में वो गाड़ी पकड़ते हैं गाडी पकड़ने के बाद बाऊजी की कोल आ जाती मोनू बाऊजी की मोनू मानेसर की मोनू कहता तुम एक काम करो थाने में गाड़ी दे दो मेरी बात होगी है और मुकदमा दर्ज करा दिया है मैंने इसके जो टीम के मेंबर थे गोरक्षा दल के वे थाने में पकड़ा के बेचारे चले गई उनकी मेहनत अच्छी थी अच्छा काम कर लेकिन बाबू ने उसके बाद क्या करया? थाने में से जिसकी गाडी पकड़ी उनकी गाडी एक लाख बीस हजार रुपये नगद लेकर वह गौवा की गाडी छटवा दी एक लाख बीस हजार रुपये लेकर वह नकद गाडी छटवा के वे जितनी गां थी गौ माता जी को बोलता है वे मेवात में कटने के लिए भेज दी और वे जब में कटने के लिए भेजी, अगले दिन उसी टीम ने वही गाड़ी तावड़ू में पकड़ ली वो टीम बोल ना कल तम तो रखते रहे तो मुकदमा दिया था तो आज फिर डी लेकर खड़े उसने बताया भाई साहब मोनू भाई से बात करो मोनू भाई से गोरक्षा दल बात करता है सारा बांडा फूट गया उस दिन जब वो भांडा फूटा गोरक्षा दल ने तुरंत इस मोनू मानेश्वर को भार बगा अख फरोड़ आदमी तू गां बेचता है तू गायों की तस्करी खाता अब आप इन बातों को मानोगे नहीं इसने अपने मुंह से इसकी टीम ने इसके भाई ने हजार रुपये कबूल करे भाई एक लाख बीस हजार नहीं हमने सत्तर हजार लिए थे उन सत्तर हजार लेने आन कौन कौन थे फोटो भी दिखा देता हूं ये है मोनू मानेसर यह बैठे हो नवनी दया ये बैठे बोलू डाणा ये जो बोलू डाणा भैया है ना इसका पूरा नाम है विनू धनखड़ धनखड़ साहब अब आते हैं इनकी रिकॉर्डिंग पे क्या बतलाते हैं ये मोनू डाणा देखना कैसी धमकी देता है ए, सुनो गौर से सुन लेना गौर से तिरपन हजार रुपये में गाड़ी छोटी थी भैया जिसमें इक्कीस हजार चार साल को दिया ग्यारह हजार उसको दिया और ग्यारह हजार रुपए मोनू को दिया त्रेपन दोबारा से सुनो यो कह रहा तिरपन हजार में गाड़ी छोटी थी ग्यारह हजार रुपये मोनू मानेसर को दिए इक्कीस हजार पर्ची कटवाई पर्ची भी कटवा देंगे गौशाला में ऐसी बात नहीं जो इनकी जानकारी की है खुद की अपनी आगे सुनो शेयर करते रहे ना पंद्रह देख रहे हो आज इनको नंगे कर दूंगा कोने -कोने आगे सुनना धमकी भी कैसी देंगे गांव कटवाने वाले हम ये इसका इसका ड्राइवर साहब है ये सुनो पहले गौरव ने वो उठा के दस हजार अपना क्यों भगड़ भगड़ कर रहा है सो बात है कि एक बात कर रहे सो तड़ की झगड़ बाजी हो रही है भाई ना दियो भाई ना गढ़ चौधरी और भाई देख दी हमने देखी हमने देखी गाय को खाए हमने खाए सुनो ध्यान से नु है गां बेच दी बेच दी गां का खाया हमने खाया गौर से सुनना

पीछे बैठा है दया साहब क्या कह रहे हैं बेच दी बेच दी मारा बाल पड़ लेगा गांव का खाया हमने खाया कोई नेता मंत्री लाग रहा जो ले लेगा अब सुनो एक एक बात बोलू डाना के घर जाना इनकी हरकतें गाडी पकड़ी इन्होंने गो तस्करो की अपने घर लाके उस गाडी को काट के का पिकअप को उसका मेरा भाई जनरेटर बना रहा है यूज करंट नगद है में भी बता रहे हैं भाई? ये जो रहा तेरी दो सौ अस्सी रिकॉर्डिंग है दो सो अस्सी सुनो इनके काले कारना में सारे एक बार सुना तो आप पूरी वीडियो देखो नहीं गे शेयर करते रहो ये आप सबसे विनती है इनका एक बहुत ही प्यारा साथी है उस साथी का जो नाम है वो बताता हूं आप लोगों को ए कहा गया एक सेकंड रुक जाओ सब कुछ ऊपर हो रहा है इसकी इंक्वायरी इतनी है ना इतना ठहरा जी पहले दारू का कैंटर चला रहा था गुजरात में इसके ड्राइवर ने पकड़ के केस भी लगा दिया था वे इसके पर्सनल मैटर है कोई बात ना चलाता होगा उस चीज तक कोई मतलब नहीं है सबसे पहले तो भाई गोरक्षा दलाड़े जो मेरे दबोरा मान रहे थे गोरक्षा अच्छा, गोरक्षा लो। एक जरूर कहूंगा भाई थारे तय मैं थारी कदर करू तुम दिन रात मेहनत मैं करो मैंने बेरा भी है। गणी गणी मेहनत करो हो अपनी जान पे खेलो हो लेकिन भाई ये कमी थारे में भी हो वह सुधार लियोगे ठीक रहेगा वह सुनो आप लोगों ने इनके बीच में है आचार्य जी और जो इनके बीच में गोरक्षा दल का सदस्य है वो उससे मुझे भाई पूरी की पूरी एलर्जी है वो क्यों है गाय खाने वालों के साथ रहता है आचार्य जी का नाम है आजाद आर्य सफेद कपड़े पहरे रहे है इंदू का चोला ठावे है खुद के स्कूल है कॉलेज है मोनू का साथ किस मारे दे भी बता देता हूं उसने भाजपा तक टिकट चाहिए मोनू उसका चेला है मोनू माने सर और आजाद आर्य जी आपको बता देता हूं जाति से मूड़ा जाट है मूड़े शायद मुसलमान होते होंगे मुस्लिम जाट होते होंगे आजाद आर्य जी मूड़ा जाट है क्या करा भाई वो हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहा है और वो मानेसर को अपना चेला बना रहा है और आजाद जी बार बार आदमी हैं इस एक आप खाते ने ट्रेंड चलाया था गाय खाने वालों का साथ देता मृत्यु बता दो गाय खाने वाला कौन है गाय बेचने वाला कौन है गाय बचाने वाला कौन है बोल के बताओ अबे मैं जवाब मांगता हूं हर चीज का मैं फोखरी पंथी में नहीं वो क्या करूं करू कदे न्यू मानते हो थारा होता माने सर साहब बार बार जोड़न लाग रहा फोन पर फोन कर कर यो यो इसका नंबर है है रिया ये इसकी कॉल करा अगस्त बारह अगस्त बारा अगस्त, बारा अगस्त बार बार कॉल कर रहा था मैंने इस ते न्यू कही थी पहला करूंगा तना नंगा और बाद में करूंगा तेरे तैरते बात और जो तेरे बस का हो वो मेरा उखाड़ लेना जो घटिया आदमी त नहीं है तू मुसलमान करके लोग आपस में लड़वा दिए मरवा दिए तेरे कहीं शर्म है अब सुनो इसकी पोल पट्टी एक भी बात नहीं हो नाटजा एक भी आदमी नहीं हो नाटजा हर चीज का जवाब दूंगा तेरे को पर जी मैं बनाऊंगा तने नेता तने नेता तपने का बढ़ने का बहुत शौक है ना अब सुनो भाई इसका इसका पार्टनर है था अब बेरा नहीं बनेगा ना बनती ऐ और राकेश पुटोदी के दो साथी थे दो पार्टनर थे जिनका काम था भैंस काटड़िया का उन पर भी वो मंथली लिया करता उनके महस काटडे रखवाया करता डोली और राकेश के बीच में रोड़ा हो गया आपस में यो पंचायती बनकर गया यो थारा माने थे पंचायती बनकर उनके बीच में गया उनके बीच में एक छोटे बालक का मुस्लिम का गोली लागी लड़ाई के बीच में जा रहा इन नई फायर कर दिया छोटे बच्चे का गोली ला जो देख लाग रहा था हिंदू मुसलमान का झगड़ा बता गए उड़े भी लोग आपस में लड़वा दिए और उनके बीच में इसका एक साथी था जिसकी तोड़ी दी उड़े के ने वो बेचारा दिल्ली एडमिट था फिर उस भाई की जान बच्ची इसके बाद आप सभी को मैं एक चीज और बताता हूं इसका गोली ला गिरी ना छाती में बिना गौ माता के ऊपर गोली खाई थी इस ठठेरे ना गौ माता के ऊपर ना खाई

क्योंकि इसकी उड़े सेटिंग वो है इसके उड़े नगद रे बने हैं ये बात आती है जावेद और नासिर की हत्याड़ी जिसमें इस ताज क्लीन चेट भी मिली। मिल रहेगी भाई सरकार ने जो जमाई हो अपना बना रखा ना इसमें क्या होया नासिर और जुनेद जावेद सॉरी और ये जो पुलिस वाले इन क्यों ना था भाई मैं पकड़वाऊंगा मैं कहूं हूं जिनने सबूत सही है प्रशासन ने शासन ने जिसने भी सबूत मैं दूंगा हकीकत पता नाले बनो केस केसला नाले बनो इसकी कांच का डनाले बनो न्यूना हो आ गए हमारे सिर पर ठेकेदार बना के बैठा दिया तमने हिंदू धर्म का यो ए छतरी है यो हिंदू यो गां कटवाणी या यो गां कटवाने वाला कटुआ इसने ऐसी की तैसी कर कदर दी यो कलंक हिंदू समाज के ऊपर कहा गए इसके वे जो पोस्ट गे थे एक मिनट पहले इनकी पोल पट्टी खोल लून पर बाद होंगे जावेद नासिर पाए थे जिनकी हत्या हुई थी उनकी हकीकत क्या थी यो थ्याव है सरकार कितना है बचा लो कितना है कुछ कर लो लास्ट में घूम फिर के इसकी कांच काट देंगे जिदन यो थ्या जाएगा प्रशासन इससे परेशान है मैं आप सभी को बता देता हूं नासिर और जावेद की भरतपुर में वे पकड़े गए उड़े एफ आई आर हुई वहां जब एफ आई आर रोई उनको पीटा गया वहां पर मौके पर बे इसका बेरा कौन सा लड़का था लड़के का नाम था रिंकू सैनी जो कह लाग रहे हैं प्रशासन या सरकार इसका कोई रोल नहीं था रिंकू सैनी इसके पास कॉल करता है वो सारी खबर देता है क्या होता है ये उनका गणे मोगरे मारे हैं इनकी या बड़ी आबादी ही दिखावे थी मोगरे मार के वीडियो बनाया करते फिर करता है यो अपने मुखबर से बात इसका मुखबर जाता है नासिर घरा और वो मुकबर कहता है हम बच्चा ना छोड़ देंगे भाई से बात करो भाई मांगता दो लाख रुपये मुकदमा दूंगा छोटा की गलगल जमानत हो जाएगी लेकिन जय मैंने राजस्थान में मुकदमा दे दिया थारे बड़का बच्चा छ केस से ये बाहर नहीं लेकर पाऊंगे इन पच्चा छ केस राजस्थान सरकार के थे हरियाणा में उड़े का के नजदीक के फजिलका वजिलका सीआईए ला उड़े लिया ये इनके घर क्या ना कह दी दो लाख रूपये लेकर वहां हरियाणा में कहीं भी छोड़ दो वहां सीआईए में लेकर आए तो सीआईए वाले ने देखा जब नीचे उतारने लगे एक जने की मौत हो ली थी उस मौत के कारण उन्होंने वीडियो बना ली और वे नाट गए तो मर लिया फिर इसके पंजे पाटिये इन अपने आदमी तो कही उड़े तो लेकड़ ले, ले तू ये जो बाकी इनका लगन दे केस इस फिर शिक्षा दिए एक आदमी ने उसका नाम में मैं तो केस से दबू जी भाई

और ये कहे हैं गो तस्कर मार दिए गो तस्कर मार दिए गो तस्कर तो सब तो बड्डा यो है भाई ना मार दो ना तुम मैं नू को क्यों ना मारते तम है? गो तस्कर तो सबसे बड़ा यो है इसका बड्डा कौन सा है ऐसा कोई भी नू मेवात के अंदर अथा नहीं है जड़े इसकी मंथली नहीं बंदरी इसकी मंथली का सबसे मैन आदमी भी बता दू मिनट रोको क्या नाम थारूगा है अरे वो नहीं वो दिल्ली वाला रहा गोरक्षा दल जावेद दिल्ली का जावेद है जावेद की गाड़ी आती है, ना आवे इसके ना दे है पलवल में इसकी जिम्मेदारी संभार सिलेंदर हिंदू नाम का आई डी पाऊंगी छक्कर खावे है इसके जितने ठटेरे सारे मेरे खिलाफ बोलते पाओगे बाढ़ बी का ना होया भाई मेरा के कर लिया सिलेंदर नाम का जावेद जो सबसे बड़ा तस्कर है दिल्ली का बाई नेम बोलन लाग रहा हूं और की गाड़ी भी पकड़ी बैसा की गाड़ी भी पकड़ी उन पे भी लिया करते आपके बाबू जी एक लाख अस्सी हजार में इसने एक सरदार की गाडी छोड़ दी थी पंच से पकड़ के पंचगांव आप जाओगे चौक के ऊपर चुलबली नाम का छोरा पाओगा दुकान के खोखे पे बैठा रहे इसका सारा लेन देन रहो चुलबली सब कुछ लेन देन करता है सब कुछ इस गले एक बोजीदार छोरा जुड़ा था सोनीपत का दो हजार सोलह में देव प्रदान सोनीपत का सप्लाई करता सारे गोरक्षक का थी एक नंबर का छोरा था गोरक्षा के लिए हथियार सप्लाई करा था भाई बदमाशी के लिए नहीं वो आज हमारे बीच में नहीं है हमारे सोनीपत का था इस बाबू जी ने क्या कर सिर्फ एक लोता यो आदमी था जिसने उसका बेरा था वो कड़े है यो उसको छोड़ के आता है नोएडा फ्लैट में राड़े ये ले अपने ये दोस्त ने बीका बनाकर पकड़वा खड़ी है वो ऊंची बिल्डिंग लटक गया सीआईए ने आता तब ने तो क्यों पकड़ना क्यों मारना है लटक्या रहे इग्नोर करते रहे उसके बेचारे हाथ छूट के ऊपर तपड़ कर मर गया बता भाई साची बात से नहीं ओ फर्जी हर बात का जवाब दिए मेरे नाम के फोन कण लागे रहा, सब दो रहे। अगर हस्तकार के खिलाफ लाइव आई हो उसकी लाइव देखे पीछे मैंने मेरे भाई काम बोलता है अपना फर्जी नहीं बोखते सबूत दूंगा भाई बीस हजार आदमी लाइव देखो रिक्वेस्ट है सभी एक बार शेयर करते रहे अब जो बातें बताऊंगा वो बातें कोई नहीं बताएगा एक सेकंड भाई जावेद नसीर हो गया रिंकू सैनी हो गया गुड़गांव वो भी हो गया हाँ वो मैं देखूं हूं कि छवा एक मंगल नाम का गोरक्षक था भाई जो हमारे बीच में नहीं गुजर गया एक विक्रांत यादव नाम का छोरा था जो मालपुर पटोदी पास के पास सी गांव था उसका और ये जो मंगल था इसका भी शायद पंचगांव के पास गांव था ये दोनों गोरक्षक थे पोस्ट देख लेना ही थारे फर्जी ठेकेदार की दोनों के नाम पर चंदा कठ्ठा कर चंदा कट्ठा करके सारा चंदा एक आ गया यो डोंगी इसके दोस्त बली का बकरा बनके आज हमारे बीच में नहीं उनके नाम पे वो चंदा खा गया इसकी गैल रेन या पलवल का छोरा सुनील जिसने कहा आगरा मल दारू पी का खुद गाडिया में गाडी बढ़ागा आपस में पड़ रहे उसके शर्मा सी आए वो छोरे के में उसके बाप दो लाख रुपये लिए उसका कोई जोगाड़ था उसके भाई दोन भाई भाई कर गोरक्षा दल आगा जोड़े गुरु जी इसकी जान बचाओ उनका बेल तो भरिया गोरक्षा दल ने और इसने सारे का पोस्ट के फलादी के गेर दी मोनू मानेसर ने अपना प्लॉट बेच के गोरक्षक की जान बचाई और उसके नाम पर चंदा कठा वो न्यारा वे दो लाख रुपये जो उसके बाप पे लिए डेढ़ दो लाख रुपये जो उसके भाई पे लिए उस उनके नाम पर जो चंदा कठा कर भाई बेच दिया और वो गोरक्षा दल ने बेल भर रामबास गांव के बंदे सबके नाम ये जाना है एक लाख तीस हजार रुपया हम दारू और डाम पिकअप छोटी होगी तुमने गाय की बरी ये वे काले चिट्ठे हैं जो सबके सामने आगे तो खोलते चले गए ना तो ये इन चीज़ न लोगों का कर राख्या करें अब इतने आदमी के मन नाम बताए हैं अब आता हूं काम की बात पे एक भी बात मेरी झूठी हो एक भी बात में फर्क पा जा, इस पर जवाब देवाइयो और सुन भाई फेसबुक की लड़ाई न छोड़े त्रिगल छाती ते छाती लड़ागा जोड़ा कहेगा जिस टाइम कहेगा जिस वक्त कहेगा लड़ने फेटने तैयार हूं यो इसका नंबर है जो स्क्रीन शॉट मैंने दिखाया था पुलिस प्रशासन तभी बताऊं डोंगल यूज कर रहे है बड्डा फटू है सरकार इसने पकड़न नहीं देती क्योंकि सरकार का चमचा सरकार ने हिंदू मुस्लिम का गेम खेलना अब जो भाई कहते थे मेरे को ई सुनो भाई ये कुंडली कहने को कुंडला कहना नहीं चाहू तो वैसे तो तेरे ते गौरक्षक बन रहा है तू तेरी मेरी कोई मन तेरे तो को लेना देना नहीं उसने एक वीडियो भी बना के रही थी बाती भी फर्जी हो जाए आग्रह उसने एक वो भी रही थी इंटरव्यू में आखिर ये जो हिंदू मुसलमान हैं यानी कि हम हिंदू हो कभी जो ना की ले ये ना की मूह पैदा हो रही है तू खंडा आ गए ये लटूर है भाई खा गयो गुटका खून पीनी रांड बरगा कर कमू और लाइव तू हमने न्यू मुसलमाना के मुंह तो पैदा हो रही तू एक ला छत्री हिंदू पैदा हो रहा इस मारे वे गोरक्षा के नाम पे तू जो गाडी चला रहा रात में दारू और यो आग्रहरा का यो त्रा मोनू माने सर नाके पास करवा आग्रह इस मारे इसकी मेर मारे भाई अब तू गोरक्षा दल की गाडिया में दारू हुए है रात ने तीन दिन इस पीछे पुलिस लाके देख लो मेरा पट जाएगा चलो तेरा काम है दारू डो कमर डो यार दुनिया कमा खाई है दो नंबर के काम करे एक नंबर के मन कोई लेना देना नहीं मेरे तो तू फर्जी कह कह लेकिन तू एक पूरी कम्युनिटी तो है जमींदारा लाग रहा है पूरे जमींदारी इसका विरोध कर रहे हैं उन ते नुकन लाग रहा है तो मुसलमाना का मूत से पहली बात जो कोंडल गाम उसके चारों तरफ नजर मार के देखिए जिनके तो तू के नाम पर गेहूं मांग के लिया हुआ तूड़ी मांग के लिया हुआ पर्ची काटे वे सब मुसलमान ना के मुंह तू एक छत्री हिंदू पैदा हो रहा तू ही सूर्यवंशी है छोटा ना, ना वो उसका काम हमारे लेकर का, कितने खाओ हमने किए है तेरे तो ते 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 फिर कोई बात को ना बरोधर तेरे खिलाफ ना तो मैं बोल रहा था ना मैं किसी के खिलाफ बोलना चाहता लेकिन बाती भी फर्जी हो जाकर एक बार ये फर्जी बात ही

एक और पोस्ट के रह लाग गिर नंगे करके कर ले जाएगा पांच साल तक फलान लागे हो आज उनका जवाब सुनो कांबड़ चोर हूं कांबड़ा के की नहीं हैं कोई हिसाब दे सकता है किसे पर चंदा लिया हो आज लिया हो कामड़ा के नाम का जब थारे पर चंदा नहीं लिया तो मैं कांबड़ चोर हो कैसे गया ई बात आ गई उसकी यो किसाना की वह वीडियो गौर से सुनदार न्यू देखा करो जो था किसान आंदोलन होने से छह महीने पहले की वो रिकॉर्डिंग है छह महीने पहले बेरादा न्यू आंदोलन होगा नगन प्रदर्शन नहीं होया उसके अंदर देख लो उसने नंगापन का न्यू ना कहता फ्रेंची काट कर रोडा पर किसान आंटेंगे उसी को बोलते हैं देशी भाषा में नंगा प्रदर्शन और होया वो सुध हिंदी में उसको अर्ध नगन बोलते हैं इक एक बात और कह गौ के नाम पर छकारा रुपया खा गया गौआ के नाम पर छकारा किला खा गया अपनी बहू के नाम करा गया भाई तरी बेबे का लोग कन्यादान गल गया था मेरा अग मैं बहू आ गए किले के नाम पर थरे पर रुपीए के कर थे, थे वो अनिल आसी तो उस तो जागरूक पूछ लो खा रहा क्या, ना खा खाया आख्या वो किला च भी उड़े पड़ा है बै किला लेकर ड्रामा कर किले की हकीकत के न्यू तो देख लो चौबीस लाख पचहत्तर हजार रुपया का तो किला आया था स्कारपियो पुरानी मेरी गाड़ी थी उस पर लोन कराया था दस बिध्या का ग्यारह का टाइम लिया था किला लेके अनिल अनिल ने गऊ चला दी थी गऊ शाला चलानी थी किला में ले लाग गया हूं पीछे में दे लाग रहा हूं किला मेरी बहू के नाम होगा भाई और किसके जोर फर्नांडो के नाम करान सांगा मैं भारत देश अच्छा उसके नाम हो गया अनिल आर्य तो पूछियो मेरी पत्नी तो मनु थी मैं जा। किला नहीं लेना ही पे उसके बाद उसने गौशाला भी कर ली गौशाला करने के बाद उसके पिताजी का कैंसर थी और उसका पिताजी एक साल के अंदर अंदर चल बचिया वो अपने पिताजी के इलाज में लाग रहा था उसका मेरे पास फोन आ गया भाई साहब मैं गौशाला नहीं चला शेखता जितनी गां थी जितने गौशाला के जो भी समान थे वे सारे आप अपनी जगह पर जो गौशाला बाट दिया एडजस्ट कर दिया किला खाली पड़ा उन्हें संभाड़ लो इन बातों ने दो साल लिए पंचायती बन रहा था एक दीपक दैया कड़ेगा वो सफीदो का पाछे पचालीस रुपये की कच्चा पैर यार था एक तू नेता बनया फर्जी ये वे आदमी है जिनके नाम अनुमान लाग रहा जो ये अपने बाऊजी के याका के नाम पर गाया के नाम पर रपयिये खां है इनकी डिटेल ले काट लेना और एक बात और बताता हूं न्यू मत मानियो यो जो सुना दिया यो, यो है दो सौ अस्सी रिकॉर्डिंग है तो जैसे राजा की जान तोते में ना तो में तो जान है इसकी कांच न का दू आई भैन चाहू देखो विरोध करना आवेंगे कौन कौन और फिर वे जो विरोध दिया होंगे ना फिर उनके थोपड़िया ना बंद करूंगा ई ई भाई बता हिंदू कटवा हुए हैं मुसलमान कटवा हुए हैं जाट हैं ब्राह्मण कटवा हुए हैं कून कटवा हुए हैं तारे श्यामी सब क्यों सब कुछ बता दिया जो जो इन इन चीजा में हिस्सेदार है जो गां कटवाने वाला होता है ना गां कटवाने वाला उसकी कोई जात जमात ना होती और जो मारता सर्टिफिकेट बांटे थे हिंदू धर्म का कडा अपनी इसी चले गए रही कौन सी जगह सर्टिफिकेट दे दिया जीजा जीजा का आगरू मुह का आगरू मरण डरता ना कटण कट्टर डरता जिन्होंने देश आजाद कराया भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर उनके बीच में सुखदेव एक बात का अगर था भगत सिंह तजाद जीत है दुनिया जीवा मैं देश के लिए एक बार मरना चाहूं या हकीकत अपनी है अथेड़ी पर मौत लेके घूमू आज आ, आ जाता जा जा चाहे काल कोई फर्क नहीं पड़ता थारे की तरिया दुनिया का पानी मार गए कोने जीना अरे मेवात की बात अब सुनो आगे की खुला चैलेंज मैं करता हूं भाई जब बोलोगे जहां बोलोगे मेवात के अंदर जिस वक्त बोलोगे मैं जाने को तैयार हूं अकेला सरकार तो मन न कह ली प्रशासन तो मन ने कह ली इजाजत तो दो मना ये बेरा जबरदस्ती दाते दंगा के नाम पर मेरा केस लागे भी देंगे, इसे इसे फटफटे हे हा, हा 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 वो छकारा बंद हो गया ये ड्राम्या तो कुछ होगा तो कून इन ड्राम्या तो कुछ ना हो एक बारी मन इजाजत दो मैं गारंटी देता हूं वादे के साथ कहता हूं जो मुस्लिम मोमडन वे भी इतने परेशान ही गो अत्या जिन कई बह मगमोहना गां काटे या और सुनो मिसर से आए हुए लोग हैं वे जो उड़पस रहे हैं जिनकी वे गां काट की दुकान है जंगा जंगा किसी का इतिहास का बोकण तय रही बात है। ये जो बजरंग कच्छे दारी ठेकेदार बन रहे हैं थर्तव्य एक बात बताता हूं गोरक्षा दल भारत के नाम तय यो थारा फर्जी ठेकेदार मोनुमाने सर

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री सब कुछ थारा सब कुछ हिंदुओं के हाल में जय थारे में हिम्मत है हम तुम्हारे साथ हैं इस गोरख धंधे को जो गो हत्या होती बंद करके दिखाओ तुमने कुछ देश के लिए करना तो करके क्यों ना दिखाते बाज मुसलमान नाम मुसलमानों में हैं, है और आपस हाँ में लड़वा दे तनाव बना दे है। एक ये काम होता सब इंसानों का चैलेंज करता हूं चैलेंज चालीस हजार से ज्यादा गैर सरकारी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर गऊ काटने के हत्थे बने हुए हैं और जो सरकारी हत्थे हैं अस्सी प्रतिशत तुम्हारी सरकार के तुम्हारे मंत्रियों के नाम टेंडर छोटते हैं ठेके जिनमें हिंदू भी गांव काटे और मुसलमान भी उड़ जाएक उनकी हिस्ट्री तक काट भोके काम चल जाएगा ही ना पे दरातल पर जमीन पर घूमू हूं थारे की तेरी फर्जी नहीं हूं गाड़ी पक लाइक फॉलोवर ले लिए और मशहूर हो गया काम करते हैं। जाके एक बार हत्या की डिटेल काटो और डिटेल निकाल के का बंद करवा के दिखाओ न जब कांग्रेस सरकार तिरोडा पर रुक के मारे करते अब आग वो हत्या बंद करवाऊंगे बारहवें नंबर पर बीप का निर्याता था जब देशी पहले नंबर पर है सबसे ज्यादा जो गाय का मास विश्व में बेचने वाला देश वो हिंदुस्तान है जो हिंदुओं का देश है शर्म की बात है दुर्भाग्य की बात है वो किस मारे जो नकली हिंदू चोला पहन के बैठे हैं धर्म का इनकी ऐसी तैसी होगी उदाहरण के तौर पर गोरक्षा दल में यो आजाद आर्य बैठा आजाद आर्य जी नाम बड़ा अच्छा है सफेद कपड़े पहनता है देशभक्ति भी है गोरक्षा भी करता है यो कौन सा मेल होया गोरक्षा करने वाले का गो खाने वाले के साथ मोनू को खान लग रहा है वो इसका चेला है और जो आजाद आर्य जी है जाति से मूला जाट नारे लगा हिंदू हिंदुओं एक हो जाओ अरे भाई साहब कौन सा ड्रामा चल रहा है यो थोड़ा हमने भी समझाओ कड़े कार्य नाम का मतलोडा मतलोडा आजाद जी का आर्य जी का शाबाश गुरु जी धन्यवाद आपका इसे चेले पचास सौ पा लो ये ना बच्चे ये चेले खा जाएंगे बीजेपी तो टिकट चाहिए चलो मैं मिलवा दूंगा मेरे दोहरे बड़े ऊपर फर आऊ आपने दवा दुआ मैं मेरी टाल करो ही गुरु जी तो दे दूं। एक टिकट के मारे मतलब कौन से गो रक्षक भी रहे हो आप रही जो गोरक्षक साथी है इसलियत के भाई आप के बारे में ना तो मना कही और आप लोगों से बड़ा जो दिल से काम करते हैं आप लोगों से बड़ा कोई समाज से भी नहीं हम आप लोगों के नजदीक भी नहीं सारे अपने ऊपर मत लिया करो मैं तो उन, उन करने नाम ले ले इन टीम का एक छापले भी है उन मगर भी एक बहुत फोदक रह चालीस के लोग आम ऐसे हमी फेटागे बेटे फोटा के रहा है मेरा फोटो वायरल करा कि मैं मोनू मानेसर का पहला भगत था सुनो वह बात भी एक बारी एक गाडी पण यार गाम में थे इस हार तागा पड़े किलोमीटर लगभग खबर आती अनि लारिया मेरी गेलता मेरा तीन चीज जात लेना देना नी कि की गउवा की गाडी भरी जाण लाग रिया नी लारिये धोरे खबर आई हमने गाडी पीछे ला गाडी पीछे ला सीधी डायरेक्ट मोनू की कोल आती है अगर रास्ते में गाडी मत रखवा यो छापल ना काला राख्या उड रखवाऊगे छापले तो गाडी आगी छापले तो पहले सोटोप सो टीम थी दिखी नही रोकी शापलो लो रोकी शाप लो फोटू खिंच न्यू कही थी मोनू ने बोला भाई एक फोटो लिया ले ले मैं मैं अपने हाथ में सेल्फी लेकर फोटो ले दिया सब मैं क्योंकि स्टार नहीं मना बनना उस फोटो ने वायरल करके न्यू कह लागरे पहले भाई के साथ फोटो लेता था मशहूर होता रे भाई की माँ की आंख के घंटा से वो पिल पिला क्या है भाई वो इसे इसे ठठेरे तड़के शांति बीस आवे पी के दो तो घूट मुंहता रह रहा है वो छाप लम जाते वो ड्रामा कर दिया उन्हें कौन सा उससे आत्मा बेचना तेना वर्गी मुलाकात थी इसके साथ फिर फोटो वायरल करा भाई तो जन्मदिन की बधाई थी एक दिन में सौ आदमी वीडियो बनवा ले बर्थडे की भाई साहब एक वीडियो बनाइयो एक वीडियो बनाइयो इफ जो वीडियो बनवा हुए हैं मैं कोसा सब न जानू प्यार प्रेम में बना दिया प्यारेम में बनाई वीडियो थी जब इन्हें ना जाना थे जब की उससे अलग इसके साथ मुलाकात नहीं उससे अलग इसके साथ फोन पर बात नहीं फोन पर एक बार नीलारी भाई साहब हम तो आपके छोटे भाई हमारे से क्या गलती होगी गलती तू खा गया सब क्या है न ऐसी दी इब इो का दो फोन करा है यो ईब फोन करा लो का दोरा है सारे विरोधी ढूंढ ढूंढ सब करूंगा और, रश लायू लायू मैं का हूं। था और कर रस चिकारा के खिलाफ लाइव हो, लाइव तो मैं फेसबुक थे अठारह लाख साहठ हजार हो गए एक लाख साठ हजार बता दिए तुमने तो मेरे इंस्टाग्राम पर छह लाख निन्यानवे हजार थे सात लाख बत्तीस हजार हो गए तुमने तो मेरी तरक्की करवा दी भाई इसने रोको क्यों कर रोकती हो गधे के बच्चे काम करना पड़े से। ये फर्जी ठेकेदार बढ़कर तम नैसी तैसी कर दी और जो कहे हैं कोम का हीरा यो युद्धवंशी कोम का हीरा सबसे पहले ट्वीट देखना एक बहुत बड़े नेता हैं जो वाक्य में युद्धवंशी कोम का हीरा है राव इंद्रजीत सबसे पहले उसने ट्विटर किया था या कौन सी यात्रा है कौन सी यात्रा माथी ले ले जाया करें इन सब दंगाइयों को मारो और इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराओ कोम का हीरा होता तो राव इंद्रजीत साहब ये रविंदर लिखते हैं इनमें अरे गाय कटवाने वाले की कोई जाति थोड़ी होती है नीच आदमी की कोई भी जाति नहीं होती हर जाति के अंदर नीच आदमी मिल जाएगा एक नीच आदमियों के ऊपर आप किसी की धर्म किसी की कम्युनिटी को बदनाम करते हो मुसलमान ऐसे मोमडन ऐसे मोमडन ऐसे मोमडन गौ सेवा करते हैं तेरी गुद्दी पकड़ मैं दिखा के लाऊंगा फेटिए दे तू तेरे कामिल कामिल रखे हैं महाराज दुश्मन देश है पाकिस्तान तना बेरा होगा कितनी कामिल कमिल उड़ गिर गायें साई वाल गायें रखे हैं तेरे हिंदुस्तान तभी तगड़ी उड़वे मोमडन तो होंगे भूतनी के सारे गांव खानिए ना हो गए सारे गांव खानिए हिंदू नहीं होते सारे गांव खानिय मुसलमान नहीं होते समझ गया ये करकट ड्रामे तीस कर फेसबुक की इस फेसबुक की लड़ाई की तन या बना दी हिंदू मुसलमान तेरी कहा गया आम ऐसे आम फेटूआ सरे आम कह लाग रहा हूं सरकार तेरी आदमी तेरे रिपोर्ट करा जो तेरे बस की है तू वो करा तेरी खुली छूट जड़े दी तर चाल जाऊ तेना छा पाओगा छकारा एक लाए बहुत से मेरी पूरी कम्युनिटी थी इतना दवाई है पूरी कम्युनिटी थी और भाई इन आदमी के चेहरे याद कर लियो तुम मैं जो कर वो कौन था मंडला किसान आंदोलन होया जब उसका उसका बहुत कीड़े उछड़न लाग रहे थे पेट में पहलवान आए जब उसका कीड़े उछड़े थे ईव मिनवाद हिंदू मुसलमान होया जब उसके कीड़े उछड़े थे उस एक उसको लो भाई जो नजदीक के गांव है तुम चंदा दे दो हो एक बूज तो बात तक कर लो महारा चंदा घर मारते गाड़ जो उनके नजदीक के गांव हुए थे ये बात कर सके हैं ये कई इसे ठठेरे फेर का ये मारता गाड़ दे पत्रकार कई कई है सारे नहीं कदे फेर उड़ता तीर लो इन आदमी के जागे मुंह ममाई गोवागे हाँ जी बताइए क्या कहना है बैंगन कहेंगे भाई ये इनका यो याद नहीं रहता सूता उठ कर तड़के तम ना हाथ धोए कि ना धोए ये मतलब तम ना पंचायती बना दिए धर्म के ठेकेदार बना दिए के सोए मतलब कुछ भी अरे यार इंटरव्यू लेने शर्म आनी चाहिए तमने या पब्लिसिटी हो दो रुपये कमाने के चक्कर में कोई श्यामी दिख जाओ इफ यो करेगा भाई लमाईको दिया है मेरे यार क्या मैं तो शर्म होगी इस समाज की जो ऐसी की तैसी

ये पांच चार रिकॉर्डिंग ते तो पांच साल तक तो वायरल कर पंद्रह साल ती करे जाओ ठोस सबूत लिया जो कर का चंदा चोर थारे और बोलो, चंदा चोर क्योंकि चंदा देने वाले मेरे भाई खांगा समझे लेकिन आज तक इन कैमरा के सामने ही फोटोआ के श्यामी वीडियो के श्यामी को क्यू ना लिया का रश्यकारा मेरे का हजार रुपये खा गया को एक हजार न्यू देखा हुआ ना सबूत मेरे खा रहा उस तो दो हजार उल्टे दूंगा एक लाख के कह तो दो लाख उल्टे दूंगा चैलेंज है थारे खा रहा क्यों थारे रिश्तेदार के खा रहा क्यों उसके रिश्तेदार के खा रहा क्यों भाई श्यामी लिया न्यू तो कोई किससे ना कुछ भी कह सके है बिना अंड जुबान है कि इतनी ये चला लो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं भी कह दूंगा तुम सारे मेरे रुपये खा रहे हो इसका मतलब खा रहे हो करते अंडे जाओ प्रूफ

तो क्यों अपनी ऐसी तैसी करवावे है क्यों इस समाज की करवावे है ये जो बाण बेटी जी ने गहले नंगा पा दिन मोचाया तू तेरी वीडियो भी, भी. के गेरूर है उसी भी देखेंगे के तेरी शर्म रह जाएगी है मन्ना शर्म आवा मैं इतना गलीज को नो घेर दू तेरे मुंह मग जाग पड़ेंगे रिश्ता तेरा खंडा खंडा हंडागा तेरे परिवार ती आज नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि तेरे बालक भी मारे लिए तुम्हारी बाण है तेरी मां भी मारे लिए मारी मां है पर तेरे घटिया नहीं तू मारा भाई नहीं है तेरे तो बढ़िया ओते पालने में का मर जा ठीक से रहा। रही बात मेरी रिकॉर्डिंग आ गई कम मकरे जाओ भाई वायरल जुबान का छकारा गंदा है सीधी कहूं सीधा बोलिया रू बना उठी बात मन ना नाती मेरी तो रिकॉर्डिंग कर लियो उस तग कर लियो कदे कर लियो खुदी बोलिया खुले मुंह ते न्यू का होता है बेटोड़े के मुंह मगो से आ रहे हैं बेटोड़ा बनावटी बात मनाती को नहीं ये हिंदू धर्म के ठेकेदार मतलब ये मारता तुम्हारा धर्म शखाऊंगे जमींदार खेती करे जमींदार गांव पाले जमींदार बड़द पाले है जमींदार यार देश की सरहद के लिए बेटा दे जब बात जमींदार की किसान किया हुआ है इनका खड़ी चूल उठ जा है और तो राजपूत जाट जाट हो जाट जाट नहीं होती अरे वे सब जमींदार है और उन सब की लड़ाई एक जमींदार लड़न लाग रहा और तम उससे न बदनाम कर दो छोटी छोटी बात पे। जिसने मतलब जिसका जीवन बीत गया उठते गौ माता ये पैर छुए और तम कर जावे जय गौ माता की पांच गाड़ी सुबह निकाल लेना भाई छह बजे नाके से दो लाख तीस हजार रुपया भी भेज दे अकाउंट में ही बहुत हो रही है ऐसे 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 नाम गोज फद्दू आदमी अपने एक रात के बीस बीस लाख रुपये भी कमा लेता तुम्हारा भाई एक महीने का एक करोड़ रुपये का टर्नओवर है गांव बेचने का मोनू मानेसर का बाई नेम कह रहा हूं एक महीने का एक करोड़ रुपए का टर्न साहब का गाय बेचने का गाय कटवाने का इस देश भगत नाम तो जो पेज बना के वायरल करने लाग रहे तेरा फर्जी ठेकेदार हो तुम्हारी ऐसी की तैसी आज तक तुमने इतिहास का बेहाना देश के भूगोल का बेहाना जमीन का बेहाना किए चल रहा किए ना तुम्हारे बाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2016 तो में भी स्टेटमेंट दी थी याद हो तो पढ़ लेना वैसे ऐसे गो तस्करों के बारे में दी थी जैसा यो रहा यो तुमने जो पाड़ दियातड़ा ठीक है और भाई लास्ट बात आपस में हिंदू मुसलमान करके मत लड़ो और नू में मैं फेर कहूं बार बार सारे हत्थे बंद करवा दूंगा मेरा वादा है और मेरे मोमडन मुसलमान भाई उन हत्थों को बंद करेंगे खुद एक बारी मैंने उड़ा बुलाओ तो उड़ा की तो दो चार मानस पंचायत कर का मौका दो कहता मेरे लिए आदमी इकट्ठे कर करो वो मेरा काम है बस मुझे इजाजत दो प्रशासन से इतनी सी विनती है हिंदू मुसलमान को चुटकियों में खत्म कर दूंगा और सारे गौ हथे की मेरी जिम्मेदारी मैं कहता हूं भाई सरकार कभी नीचा बगी टूटे मैं कहूं सु मैं तड़वाऊंगा फिर भी एक मौका तो दो वहां तक जानेगा अरे तुम्हारा एकला भाई भाई एक इतनी बड़ी सरकार से लड़ रहा मेरे पक्के भीतरी है मेरे दिल की तारे बता नहीं लिये, हो, यूज नहीं लिये हो। दूसरी बात किसी के इसके इस चमचे का इसका को भड़क रह जा को फरक रह जा मेरा फोन नंबर आठ सौ उनतालीस अठासी अठासी नौ सौ एक यो मेरा व्हाट्सअप नंबर है यो है मेरा कॉलिंग नंबर है फोन ज्यादा आवा ना उठा तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए आधी रात में भी तू नुका कहा ना मेरे श्याम या तेरे श्याम ही खड़ा पाऊंगा और बता इससे ज्यादा क्या सुनना चाह है तू गूगल पे गूगल पे फोन पे भी यो ये है कमेंट के करने लग रहा है गूगल पे फोन पे और बता दे रुपये खाने में, में मेरे भाई एक घंटे में एक घंटे में अपने नाम से वीडियो बनाकर घेर कर थारे रपए खाऊंगा मन रुपया की जरूरत दस करोड़ रुपए दे दो लोग करोड़ रुपए तक देने को तैयार हैं और मुका मार का खांगा भाई थारे खा लिए कोई उल्टा नहीं ले इस थोपड़े में कोई तो बात होगी जब दस करोड़ रुपए एक घंटे में खा सकता को दस हजार खा के दिखा दो किसे के ऑनलाइन तब न मान जागा तब ना को कमा कई बीनू लिखल ना गिरे मुन्नू भाई शेर है शेर है ना इस शेर की जेर न काट के छोड़ूंगा समझ गया ये अपने शेर ने कितना पूछड़ी बता दू तेरे शेर जेर लान की कटवाऊंगा मैं लाण दे के मैं मैं बनाऊंगा इन्हें चौधरी और भाई जितने जो गोरक्षक हैं मैं तो ज्यादातर जी न जानू जो सेवा करते देखे गोरक्षा दल हरियाणा वे मेहनती हैं उनमें वो आचार्य जी का के नाम हो बड़ा क्या लंबे है लंबे बाल रखा गया आचार्य जी आपका मैं आपका तो सच्चाई बताऊँ मैं फैन भी हूँ दो चार बार आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिल गया है मैं पूरे नाम तो सबके जानता नहीं लेकिन आचार्य जी मैं आपकी टीम के बारे में आपके बारे में आपसे मेरी मुलाकात और बात तो होनी ली लंबे टाइम से कोई भी बात नहीं गई आप जो वैसे साथियों सेवा करने वाले परेशान ना हो भाई मैं आप लोगों से गो जो गो सेवक है हकीकत के आप लोगों से फिर भी समा चाहता हूं अगर आपने न्यू लागे मेरे मुंह मगर को गलत शब्द लिख रहा है और बाकी ये जो गो बक्षक हैं इनके बारे में जरूर कहूंगा मैं और कहता रहूंगा ये इनकी जन्म कुंडली और दो दिन बाद फिर खोल लूंगा फिर ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा फिर शर्म के रह जाएगी इसकी वीडियो भी इसकी रिकॉर्डिंग भी पहले न्यू देखूंगा कि वो करेगा के अपने बचाव में कहेगा के ये रिकॉर्डिंग जी ना चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दियो इसके ये जो इसका ड्राइवर साहब है का है आखा आगरा मारा कौन नेता मंत्री के बिगाड़ लेगा मारा कौन पूछ पाड़ लेगा इनकी पूछना ना पाटा भाई क्योंकि इनकी पूछ सरकार के हाथ में है यह सच्चाई है बाकी मैं भी शंकी हूं पागल हूं पाड़ का छोड़ दूंगा धन्यवाद आप सब लोग ने इतना टाइम इतना प्यार प्रेम दिया जल्दी फिर मिलते हैं राम राम जय हिंद भाईचारा बनाए राखियो इन कुतड़िया के कहे थे भाईचारे में दरार नहीं आनी चाहिए हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो हम सब भाई थे भाई हैं भाई रहेंगे राजनीति कराने गई अपनी ऐसी की तैसी जल्दी मिलते हैं जब भी मौका देंगे नू मेवात्मा बढ़ने का उसी टाइम आपका भाई वहीं आकर आपके लिए बाय फैला कर यात्रा भी निकाल के दिखाऊगा, जय श्री राम भी बोल के दिखाऊगा, इनके जितने पाखंड सारे करके दिखाऊगा, और वही मुस्लिम भाई शकोरती देंगे साथ देंगे वही मुस्लिम भाई हथों को बंद करवाने का काम करेंगे आप सभी का धन्यवाद